हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शरद कुमार चैनल। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज गाइस मैं आया हूँ पालिक बाज़ार फिर से। पालिक बाज़ार में इसलिए आया हूँ क्योंकि PS5 के जो प्राइस है कम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। इसकी 5,000 में डिजिटल में कम हो चुके हैं, सीडी वाले में 5,000 कम हो चुके हैं। तो मेरे साथ में भैया हैं ये, तो ये प्राइस बताएंगे कि क्या PS5 का प्राइस चल रहा है। कंट्रोलर वगैरह देख रहे होंगे और एक्सबॉक्स भी है गाइस। जरा आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे वीडियो देनी थी कि यहाँ PS5 का प्राइस कम हो चुके हैं, करोल बाग में नहीं, लाल किले में नहीं, हर जगह कम हो चुका है पालिका में। तो जल्दी से भैया से प्राइस पूछ लेते हैं कि बेस्ट प्राइस क्या लगाएंगे PS3 का, PS5 का, PS4 का, एक्सबॉक्स हैं, कंट्रोलर वगैरह भी है पीछे, तो उनका प्राइस पूछते हैं। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो होने वाली है बहुत ज़ोरदार। तो गाइस फिर मिलते हैं वीडियो में। अंकल जी हमें प्राइस बताएंगे। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विकास सिंह। विकास सिंह, तो अंकल जी आप PS5 के, आप भी जानते हो प्राइस कम हो चुके हैं, इसके डिजिटल में कम हो चुका है, सीडी वर्जन में कम हो चुका है। इसमें दो वर्जन आते हैं इसके, एक तो ऑनलाइन आप बाय कर सकते हैं गेम, और आपको दूसरा वर्जन है जिसमें आप डिस्क आपको बाय करना पड़ता है। डिजिटल वाला ये रखा था जी, दोनों पिछले 10 दिनों में जो है काफी प्राइस नीचे है, लगभग 10,000 रुपए करीब दोनों वर्जन में फर्क आया है प्राइस का। 10,000 रुपए। जैसे कि जिसमें आप ऑनलाइन वाला जो वर्जन है वो आपको 40 का इस टाइम अवेलेबल है, 40 का, और जो आपको डिस्क के साथ जो वर्जन अवेलेबल है वो 48,000 में है। 48,000 डिस्क वाला, 48,000 का। हाँ जी, 1 ईयर वारंटी वाला। 1 ईयर वारंटी बिलिंग लगा 48,000 का दे रहे हैं अंकल जी। और अंकल जी डिजिटल वाला आपका कौन सा? डिजिटल वाला, ये बिना सीडी वाला। डिजिटल वाला जो है बिना सीडी वाला है वो 40,000 रुपए का है, ये भी वारंटी के साथ है। वारंटी के साथ है, तो गाइस देख लो डिजिटल वाले में 40,000, और जो सीडी वाले में है जो 48 का हो चुका है, जिसका ऑनलाइन प्राइस अंकल जी कुछ महीने पहले 55 या 56 58 तक पहुंच गया था। आप सही कह रहे हैं, उसका प्राइस अभी बहुत तेजी था, लेकिन अभी जैसे कि अभी बच्चों के एग्जाम वगैरह खत्म होते हैं तो कंपनी अपनी तरफ से डिस्काउंट देना शुरू करती है ताकि उनकी सेल बढ़े। सेल बढ़े तो देख सकते हैं गाइस, ये रखे PS5 ऊपर देख सकते हैं, ये PS4 है। अंकल जी PS5 के प्राइस आपने बता दिए, अब PS4 को भी बढ़िया सा प्राइस बता दो कि आप क्या एक बढ़िया प्राइस दोगे PS4 का। PS4 में भी जो है इसमें दो तरह के वर्जन आते हैं, दो तरह जो के। हाँ, जो गेमर्स हैं उन्हें सब पता होगा किस तरह की मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो समझ सकते हैं। तो उसमें जो है आपको एक तो वर्जन है जो बेसिक वाला, उसमें आपको 18,000 में मिल जाता है फैट मॉडल। हाँ जी, और दूसरा जो वर्जन है स्लिम वाला वो आपको 22,000 में मिल जाएगा। 22,000 में मेन कंडीशन, मेन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है बहुत बार। आपको यहाँ पे सीडी भी मिल जाएंगी PS4 की, देख सकते हो कितनी सारी है। ये टेकन 7 है, Xbox 360 गेम है, कंट्रोलर है, और ये मुझे निंटेंडो की भी गेम दिखाई दे रही है, निंटेंडो DS, काफी पुराना कंसोल था ये। तो अंकल जी अब ये PS4 हो गया, एक्सबॉक्स भी दिख रहा है, इसके व्हाइट कलर कितना ये सुंदर पीस दिख रहा है मुझे, और Xbox 1 दिख रहा है बढ़िया कंडीशन में ये, तो उनका क्या प्राइस है अंकल जी? इसमें जो 360 आपको पड़ जाएगा आप 10,000 रुपए के अराउंड समझिए। इसमें एक्स्ट्रा रिमोट चाहिए होगा आपको, या इसके इसका कनेक्ट वगैरह आपको लेना होगा तो उसकी कॉस्ट अलग से जुड़ जाती है। कॉस्ट जुड़ जाएगी। तो गेम लोड मिलेगा अंकल, बिना लोड करके मिलेगा? बिल्कुल लोड किए हुए मिलेंगे हमारे पास। अच्छा, तो गाइस देख लो व्हाइट कंडीशन में, काफी जल्दी गंदे हो जाते हैं, लेकिन ये जो है एकदम बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है। Xbox 1 भी है ये, Xbox 1 का क्या रेट है अंकल? ये Xbox 1 दे देंगे आपको 12,000 रुपए का। Xbox 1 12,000 रुपए में, देख सकते हैं इतना बढ़िया प्राइस अंकल जी दे रहे हैं। और कुछ सीडियाँ भी है आप PS4 की, सीडियाँ है आपके पास PS4 की है, PS3 की है, Xbox 1 की है, PSP की, तो उनका क्या क्या प्राइस है स्टार्टिंग प्राइस? गेम जो है आपको डिपेंड करता है हमेशा गेम के ऊपर। हाँ, गेम के ऊपर सही। तो आपको इसको मान के चलिए 500 से लेके जो आज जो लेटेस्ट जो नए में उपलब्ध अवेलेबल है वो 3,500 तक भी आपको गेम मिलेगा PS4 के। बता दो PS4
उनका जैसे PS3 की गेम कौन बंद हो चुकी है तो फ्री ऑन मिलती है ये या यूज में, तो उनका क्या प्राइस रहता है स्टार्टिंग प्राइस? उसमें 500 रुपए से लेके आपको 1500 रुपए के बीच में जो है PS3 की। देख सकते हैं ये एक नहीं गाइस बहुत सारी सीढ़ियां यहाँ पे PS4 कंट्रोलर वगैरह। अंकल सीडी की बात कर ली, कंसोल्स की बात कर ली, अब कंट्रोलर रह गया, जरा कंट्रोलर के प्राइस बता दो PS3 PS4 के PS5 के। आज आप कुछ लेके जाएंगे तो मैं आपको जरूर और प्राइस बताऊंगा अभी आपको। अच्छा चलो लेके चले जाएंगे। तो एक बार ये PS3 में ये कलर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं येलो और ब्लू, बिल्कुल। तो ये क्या प्राइस में रहेगा आपके पास? आप कलर हमसे कोई भी ले लीजिए, आपको जो रिमोट है 1500 रुपए का पड़ेगा PS4 का। हाँ जी। और ये 3 का अंकल जी? 3 का आपको मिलेगा 500 का। 500 का देख सकते हैं सिर्फ 500 रुपए में अंकल दे रहे हैं। ब्लैक कलर है, इसमें ब्लू कलर है, ब्लैक है, ब्लू है, येलो है, येलो अभी मैंने कल किसी को 3 रिमोट दिए हैं अलग अलग कलर में। अच्छा व्हाइट ब्लैक और एक उनको ग्रीन का ब्लू कलर उनको दिया है। व्हाइट रेड और ब्लू तो आते हैं। PSOP कंट्रोलर सीढ़ियां वगैरह। जी शॉप का एड्रेस बता दीजिए अपना। हमारी शॉप है 6 नंबर पालिका बाजार, 1 नंबर गेट से उतरते ही आपको सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट साइड पे हमारी शॉप पड़ेगी। हाँ तो मैं कार्ड दिखा ले लूंगा शॉप का कार्ड। हाँ ये हमारी शॉप का कार्ड है, म्यूजिक पैलेस के नाम से देख सकते हैं। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, फोकस हो रहा होगा। थैंक यू अंकल जी। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगी हो जानता हूँ, क्योंकि PS5 का प्राइस 48,000 वाले का, जिसका प्राइस कुछ दिन पहले कह लो, कुछ हफ्ते पहले कह लो 55 चल रहा था, लेकिन अंकल जो है 48 का दे रहे हैं, वो भी सील पैक 1 ईयर वारंटी वाला, इतने बढ़िया प्राइस में दे रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए इतनी बढ़िया वीडियो बनानी तो बनती है, और कंट्रोलर के इतने कम प्राइस है, तो शॉप पे आके आप विजिट करो, 48,000 का मिल रहा है, मतलब ऑनलाइन से 2,000 रुपये कम। तो डायरेक्ट शॉप पे आओ, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि शॉप का एड्रेस जो है 6 नंबर है, एड्रेस अंकल ने बता दिया है, और डिस्क्रिप्शन में नंबर कॉन्टैक्ट सब मिल जाएगा आपको। तो गाइस सब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।